अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और देखिए, देखते ही देखते रमज़ान पूरा ख़त्म हो गया है और कनाडा में कल ईद है। शायद कई जगहों पर कल ही होगी ईद। बहरहाल आज है चांद रात कनाडा में, तो मैं सोचा कि चलो आज बाहर निकलते हैं और टोरंटो में चांद रात का ज़रा माहौल देखते हैं कैसा है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेट्रोल भराना होगा, क्योंकि ये गाड़ी मेरी आजकल क्या है, गाड़ी को भी रोजा लग गया, बहुत पेट्रोल पी रही है। जब गाड़ी लिया था तब तो तकरीबन फुल टैंक में 700 किलोमीटर चलती थी, लेकिन अब तो खाली 500 किलोमीटर पे दम तोड़ रही है। तो चलिए पहले पेट्रोल भराते हैं, अगर कार वॉश का अगर मौका मिला तो कार वॉश भी करा लेते हैं और फिर देखते हैं जरा यहाँ का चांद रात का माहौल। और रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर तो देखिए कनाडा में ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है जैसा स्टॉक मार्केट जाती है ना, वैसे जा रहा है टेम्परेचर यहाँ पे। परसों तक यहाँ पे 0 degrees था और आज देखे तो +18 चल रहा है टेम्परेचर। खैर अच्छी बात है क्योंकि समर बहुत जल्दी आ गया इस बार कनाडा में। तो ये देखिए, ये हम लोग पहुंच गए हैं ईद बाज़ार। ये स्कारब्रो में एक नगेट नाम की एक मॉस्क है, तो उसके सामने ही बैंकेट हॉल है जहां पर हम लोग गए थे। ये ईद बाज़ार पूरे यूजुअली बैंकेट हॉल्स में ही होते हैं। एक कोई भी जो भी स्पॉन्सर होता है बड़ा, वो एक बैंकेट हॉल बुक कर देता है और उसके साथ साथ जितने भी जो अंदर टेबल्स होते हैं वो पूरे रेंट पर देते हैं। तो इस तरीके के कई सारे बाज़ार होते हैं यहाँ पर कैनेडा में, और यूजुअली जितने भी यहाँ पर बाज़ार होते हैं उसमें ज़्यादातर आइटम्स लेडीज से रिलेटेड ही होते हैं। बोले कि सूट्स वगैरह हो गए या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, और आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो मेहंदी का डिज़ाइन हो गया है। तो बस ये सारी चीज़ें होती है यहाँ के ईद बाज़ार में। क्या आरिफ, क्या लेने के लिए आप? मेहंदी का कौन लेने आया, चांद रात है आज, जरूरी है लेना। अब दोनों हाथों को लगाना है क्या? लगाना हमारे को नहीं है भाई। आप क्यों आए? नहीं, मैं तो लेडीज के साथ आया, आप अकेले दिख रहे हैं। हाँ अकेले आए, क्योंकि दो दिन से लेडीज आए थे, आज थर्डे हमारे को आना पड़ा। चलो चलो सही है। तो देखिए देखिए यहाँ का ईद बाजार मेरे हिसाब से तो मतलब बहुत बोरिंग था। मतलब लेडीज के लिए अच्छा है, लेकिन जेंट्स के लिए तो कुछ था ही नहीं, बस थोड़े बहुत तोप के चीज़ें थे, टोपियाँ वगैरह थी। अतर की खुशबू अच्छी आ रही थी, वो एक पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन उसके अलावा तो पूरा हर चीज़ ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है। मारिया वालों के एंजॉय किए, मेहंदी मेहंदी लगा लिए। और कल ईद से पहले एक और जो चीज़ आप लोग को बताना है मेरे को, वो है मेरे ये 3 परफ्यूम्स जो मैं दुबई से लेकर आया था। कई सारे परफ्यूम्स हैं जैसा कि आप लोग को पता ही है मेरे पास, लेकिन वो पूरे वेस्टर्न टाइप के हैं। ये थोड़ा ओरिएंटल, थोड़ा वुडी टाइप के फ्रेग्रेंसेस है जो मैं दुबई से लेके आया था। तो सबसे पहला वाला तो ये है अपना ऊद सैफरन, जो कि इससे पहले मैं आप लोग को बताया था कि ऊद और सैफरन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो कल इंशाल्लाह ईद पे ये वाला लगाने वाला हूँ मैं, और इसका बॉक्स और पैकेजिंग वो भी मतलब ज़बरदस्त है एकदम।
एक और जो परफ्यूम है, परफ्यूम नहीं अतर है, ये जो बहुत मशहूर है आजकल, जिसका नाम है मस्क साफी। तो ये भी मतलब इंटरनेट के ऊपर बहुत मशहूर था, तो इसलिए मैं लेने की कोशिश कर रहा था और मेरे को मिल भी गया था। ये मैं चाह रहा था कि कई सारे मेरे कंपनी में सबको यही गिफ्ट करूं, लेकिन जब मैं इसकी खुशबू सूंघा तो मतलब मैं डिसअपॉइंटेड हो गया कि इतना फेमस क्यों है ये परफ्यूम, जबकि ये जो अतर इतना फेमस हुआ कि मतलब मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर खुशबू तो मतलब कुछ खास है ही नहीं। बस बॉटल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर ये बहुत मशहूर है, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करता ये अगर किसी को ख़रीदना है तो। बस अगर किसी को बॉटल चाहिए तो बस उसके लिए ले सकते हैं, हालांकि इतना महंगा भी नहीं है ये। और एक जो है तीसरा परफ्यूम वो है अपना अल हरमैन का ऊत कैम्बोडियन इंटेंस। इसकी भी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसका परफ्यूम हर एक को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा इंटेंस टाइप का कैम्बोडियन फ्लेवर है इसके अंदर, तो इस वजह से हर एक को ये पसंद नहीं आता। लेकिन अगर कोई लोग जो ऊद के शौकीन हैं, वैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। तो ये तीन परफ्यूम लेके आया था, लेकिन कल ईद में जो लगाने वाला हूँ, जो कि स्टैंडर्ड है थोड़ा, वो रहेगा ऊद सैफ्रॉन। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है ईद का दिन शुरू, और मेरे को अब जल्दी मस्जिद के लिए जाना है। एक घंटा भी बाकी है, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि पार्किंग वगैरह नहीं मिलेगी। और जाने से पहले मैं खाने वाला हूँ तीन अजवा खजूर, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईद उल फितर की नमाज से पहले कुछ ना कुछ खाकर जाना है। और अगर हम खजूर वगैरह खा रहे हैं तो हमको चाहिए कि ऑड नंबर में खाना है, जैसे 3, 5, 7। तो यूजुअली हम लोग शुरखुरमा पी के जाते हैं, लेकिन अब शुरखुरमे का वेट करूँगा तो फिर नमाज भी हो सकती है। तो जल्द से जल्द ये खजूर खाता हूँ और फिर सीधा मिलते हैं हम लोग मस्जिद पर। और ये देखिए, ये मैं पहुंच गया हूं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए ईद की। और ये मस्जिद का नाम है इंटरनेशनल मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझको पार्किंग तो मिली ही मिली, उसके साथ साथ पहली सफ़ में जगह भी मिल गई, और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल गया तकबीर पढ़ने के लिए। This blessing. Yesterday we were fasting. Yesterday we were engaged in prayer. Yesterday we were in the month of Ramadan. And today we are on the day of Eid. This example is the example of our life. The life we live in today. We are worshiping Allah subhanahu wa ta'ala throughout our lives. We are going through our lives worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, praying, fasting. अब देखिए, हम लोग जा रहे थे यहाँ पर रिश्तेदार के पास ईद के लिए, ईद मिलने के लिए। सब लोग मिलते हैं वहाँ पर, गेट टुगेदर होता है हर साल ईद में, बकरीद में। लेकिन अभी समर रहने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक इतनी है। 1 बजे हम लोग को रहना था वहाँ पर, 1:30 तो यहाँ पर रास्ते में ही बच गए। अच्छी बात यह है कि इस बार समर जल्दी आ गया, मतलब टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अब नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है समर में, क्योंकि विंटर में क्या है, सब लोग अपने घर में ही छुप कर बैठे हुए रहते हैं सर्दी की वजह से। जैसे ही समर आता है सब शेर बन के बाहर निकलते हैं। और देखिए, हम लोग के कपड़े देखिए, ईद के कपड़े आए हैं इंडिया से, दोनों के मैचिंग, मेरा भी ब्लैक, हसन का भी ब्लैक, इंडिया से घर वाले बनाकर भेजाए थे। तो खैर, इस ईद के ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड। आप लोग को पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हसन अल्लाह हाफिज करो।